हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉली स्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ डाबर के कैस्टर ऑयल के ऊपर रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेस किए थे। ये देखिए, ये है इसके कंटेनर। इसके आउटर पैकेजिंग था नॉर्मल पेपर बॉक्स से, बट वो मैंने फेंक दिए, तो अभी ये इनर पैकेजिंग जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसा प्लास्टिक शेप, प्लास्टिक कंटेनर है, ऐसा ये शेप में है, ऊपर कैप है। लेकिन इसको लेके अगर आप कैरी करते हो, ट्रेवलिंग करते हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो ये कैप जो है इतने अच्छे से नहीं, तो इस लीक होने का थोड़ा सा चांसेस है। और ये 100 ml के कंटेनर है। इसके प्राइस है 114 rupees और शेल्फ लाइफ है 2 years के। कैस्टर ऑयल क्यों हम लोग यूज करते हैं, सबको थोड़ा बहुत पता है। मेनली कैस्टर ऑयल सुन के हमारे दिमाग में आते हैं कि हेयर के लिए, बट इसके साथ साथ हम लोग हमारे स्टोमक के लिए भी यूज करते हैं। कैस्टर ऑयल में बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहते हैं, जो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। मेनली ये यूज किए जाते हैं लैक्सिटिव रीजन से, लाइक ये कंस्टिपेशन जिन लोगों को रहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। कंस्टिपेशन के अगेंस्ट में ये फाइट करते हैं। लेकिन इसके लेने के बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसीड्योर है, कितने प्रोपोर्शन में लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको गर्म पानी या गर्म दूध या शहद के साथ लेना चाहिए, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही आपको ये लेना पड़ेगा। हम मैंने क्यों मंगवाए हैं वो मैं अभी बता देती हूँ। ये मैं मेरे हेयर में अप्लाई करने के लिए मैंने मंगवाए। तो कैस्टर ऑयल को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा थिक रहते हैं, और लगाने के बाद इसके स्मेल, इसके थिकनेस से आप परेशान हो जाओगे। इसको हमेशा कोई एक बेसिक कुछ ऑयल के साथ आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक आपको कोकोनट ऑयल हो गए, आपको आमंड ऑयल हो गए, या ऑलिव ऑयल है, इसके साथ आपको थोड़ा सा क्वांटिटी में इसको ऐड करके फिर आपके हेयर पे अप्लाई करना है। 2 hours के बाद आपको शैम्पू करना है। इससे आपके हेयर में बहुत जल्दी ग्रोथ होते हैं, हेयर के जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होते हैं, शाइनिंग आते हैं। कैस्टर ऑयल ओवरऑल आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। किसी के स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस होते हैं, फिर पफिनेस आ जाता है, उसको भी रिमूव करने में बहुत अच्छे हेल्प करते हैं। कैस्टर ऑयल के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, और जैसे मैंने बताया इसके मेडिसिनल यूज भी काफी सारे हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा। कैस्टर ऑयल के जो थिकनेस है, कलर कैसा है वो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही ज्यादा थिक है, नॉर्मल व्हाइट टाइप के कलर में ही है, बहुत ज्यादा थिक है। और इसके जो स्मेल है, बहुत ही थोड़ा कड़वा टाइप का स्मेल है, थोड़ा हेवी स्मेल है। और जैसे आपको वीडियो में मैं इतना ही समझा पाऊंगी कि बहुत ज्यादा थिक है, तो अगर आप स्किन पे भी यूज करते हो तब भी आपको एलोवेरा जेल या अदर कोई ऑयल के साथ मिक्स करके आपको आपकी स्किन के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जिन लोगों को ऐसा इचिंग का प्रॉब्लम है, रैशेस के प्रॉब्लम है स्किन पे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।